स्वागत है आपका नाटू कला चैनल पर। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली के इस मौके पे जो फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है केसरी। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में अभिनय किया है अक्षय कुमार ने और ये फिल्म है धर्मा प्रोडक्शन की। तो चलिए जानते हैं जनता से कि कैसी लगी उनको ये मूवी केसरी। ठीक थी मूवी, लेकिन एक ही सीन को बार बार दोहराया गया है जिस वजह से जिसका जो थ्रिल था वो कम हो गया। ओवरऑल 5 में से स्टार देंगे तो 2.5। सर मूवी तो ऑसम थी। क्या ऑसम क्या था? देखने में उसने बताया कि हिंदुस्तानी कैसे लड़ते हैं और कैसे आखिरी दम तक अपनी सांसों तक लड़ते हैं। अक्षय कुमार ने तो बहुत लीडिंग रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया। बहुत अच्छी मूवी थी, देखने लायक है, 10 out of 10 मिलेगा। दिस इज भूषण एंड आई लाइक दिस फिल्म। अनुराग हियर डायरेक्टेड वेरी नाइस, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ है और आई रियली लाइक, आई अप्रिशिएट टू अक्षय कुमार। ही रियली डू यूज टू डू सच टाइप ऑफ फिल्म्स। मिस्टर अक्षय कुमार रियली यूज टू डू सच टाइप ऑफ फिल्म्स बिकॉज ही हैड मेक एयर लिफ्ट, सो मेनी फिल्म्स दैट वंस अगेन दैट वन अबाउट द आई डोंट रिमेंबर द नेम अबाउट दैट फिल्म बट आई थिंक यू रिमेंबर द फिल्म नेम दैट फॉर द दिस फॉर एयर फोर्स एक्चुअली ही वॉज नेवी दैट विच वन रुस्तम एंड बिफोर दैट विच वन हॉलीडे यस एग्जैक्टली दैट्स वन हॉलीडे एंड मिस्टर अक्षय कुमार आई रियली लाइक हिम आई लाइक हिज फिल्म बिकॉज ही मोटिवेटेड द पर्सन हु लव्स द आर्मी हु लव्स द एयरफोर्स एंड हु लव्स द जनरल पीपल आई एम ऑल्सो कॉमन पीपल जस्ट लाइक यू जस्ट लाइक हिम एंड रियली आई अप्रिशिएट मिस्टर अक्षय कुमार इफ माई साउंड इज गोइंग टू मिस्टर अक्षय कुमार दिस इज भूषण माई नेम इज भूषण एंड रियली आई अप्रिशिएट मिस्टर अक्षय कुमार एंड रियली ही हैड मेक सम अनदर ही हैड मेक सम film that toilet also he had make some film he is making some another different film maybe he is not getting the amount of that maybe he is not getting the amount of that but he want to know the social the society he want to know the society that what we are doing what we are realizing that he imagining each and every person and that's really appreciate for Mr. Akshay Kumar. So this is Bhushan. Anything else I want to speak? And this film is very nice. Very nice. Very nice. Thank you very much. Thank you. ठीक ठाक है, अभी पुरानी स्टोरी पे है तो जिस जमाने में जो हुआ उस हिसाब से जो दिखाया गया वो ठीक है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से कुछ जो है वो कुछ रोमांटिक होना चाहिए उसके अंदर कुछ, तभी पिक्चर में मजा आता था। रोमांटिक के साथ में ये लड़ाइयाँ दिखाई जाती तो हाँ, तो वो उसमें रहना चाहिए कुछ, बनाने वाले ने कुछ उसके अंदर रोमांटिक डालना चाहिए था। एक्टिंग है ना वो, तो नहीं रोमांटिक कुछ उसके अंदर लेडीज़ का दिखाना चाहिए, जो हीरोइन है कुछ दिखाना चाहिए, गाने कुछ रहने चाहिए, तभी पिक्चर में मजा आया। सर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऐसा लगा कि बोरिंग जा रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में जो उसके वॉर सीन और स्टंट देखे हैं ना अक्षय सर के, माहौल लगा है उस हिसाब से, तो यानी पैसा वसूल और थोड़ा सा रोना भी आता है सेकंड हाफ में। थैंक यू सर, बस इतना ही। मूवी सेम सेकंड हाफ बहुत अच्छा था, इसके लिए मतलब बहुत एंटरटेनिंग मूवी थी। अक्षय कुमार से लास्ट तक जो उनका सीन था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, इट्स अ वेरी पैट्रियोटिक फिल्म, एवरीबॉडी शुड वॉच इट एक्चुअली वंस एंड ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय अक्षय कुमार। थैंक यू। रेटिंग विल बी 4.5 out of 5। जय हिंद जय भारत। अक्षय कुमार का काफ़ी डैशिंग बाज था इस पिक्चर में, काफ़ी अच्छा रोल किया है अक्षय कुमार को, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। स्टार अगर 5 रहेंगे तो 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अक्षय कुमार का जो इसमें परफॉर्मेंस था ना वो काफ़ी सराहनीय था, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें और उनका रोल देख के हमें बहुत खुशी हुई।
बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। केसरी क्या बताती है? केसरी वही बताती कि जो यानी केसरी रंग है वो अपने जुनून का रंग है, देश के लिए जो मर मिटने का रंग है ये। अक्षय कुमार वैसे भी इससे पहले भी फिल्मों में काफ़ी अच्छे रोल निभा चुके हैं, चाहे वो मिलिट्री मैन हो, चाहे पुलिस वाले पुलिस में हो, चाहे किसी में हो, चाहे केसरी, ये थोड़ा अलग यानी अलग तरह का किरदार उन्होंने निभाया इस बारे में। लेकिन केसरी एक नया एक प्रकार से एक नई पिक्चर देखने को मिली एक प्रकार से, जिसमें मसाला ना था लेकिन ना तो एक स्टोरी थी जो देशभक्ति को रहती है, भले ही वो सवा सौ साल पुरानी स्टोरी को ना लेके आए हो, लेकिन इसमें भी थोड़ा ना थोड़ा दम था और पिक्चर एक बार देखने लायक तो है।